हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ये जो आप देख रहे हैं ये ज्वाइनिंग लेटर जो देख रहे हैं ये किसका है? आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन। दो हजार सत्रह का सितंबर में वैकेंसी डिक्लेयर की। 625 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 625 तो नहीं थी वैकेंसी जब डिक्लेयर हुई थी, उस समय कम थी भर्ती, बहुत ज्यादा समय लग गया, इसलिए जो दूसरे साल की जो वैकेंसीज हैं वो भी इसमें ऐड हो गई, यानी कि ज्यादा लंबा समय तक चली तो पोस्ट बढ़ गई, सेलेक्ट हो गए, फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया। अब कुछ हमारे साथी ऐसा है कि जिनको अभी भी डाउट है वाटर कैरियर का कब आएगा, बार्बर का ही आया है क्या, बार्बर और कुक का ही क्या ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हुआ है, दूसरा कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर सभी के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बार्बर और कुक को ज्वाइन करवा लिया जाए और वाटर कैरियर को छोड़ दिया जाए। फोर्स को तो सभी की जरूरत है, फोर्स आपका पूरा स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो रही है वहां पे। अब कुछ हमारे साथी जो है वो इस बात से डर रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करने के लिए कहीं 8 तारीख को ही मुझे ज्वाइन करने को मिले और मैं डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाऊं तो क्या होगा। देखिए, आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, सबको 30 डेज का आपको समय दिया गया है, यानी कि जिनका नो को डिस्पैच होता है, जिनका डिस्पैच का डेट जो है वो नो है। देखिए दिनांक यहां पर 13/11/2021, ये क्या है, सिपाही माली, और इनको किस डेट को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, 12/12, यानी पूरा 30 दिन का समय दिया है। जिनका यहां पे 9/11 था उनको दिया है यहां पे 8/12, 30 दिन का समय सभी को मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट में क्या तैयारी करनी है इसके लिए तो हम बहुत समय से बता रहे हैं आपको क्या करना है आपको। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में प्रोफॉर्मा आएगा, और यदि आपको अभी जल्दी है कि करेक्टर सर्टिफिकेट मैं बनवा लूं तो आपको क्या करना है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर हो रहा है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट। सिग्नेचर कैसे होगा, तो सिग्नेचर यहां पे आपका नाम आ जाएगा, यहां पे फादर्स नेम आ जाएगा, यहां पे लास्ट 7 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स, 5 मंथ, मंथ यदि 0-0 हो जाता है कोई बात नहीं, जितना भी आपको जानते हैं, या फिर नेम आ जाएगा, प्लेस, डेट, ये सिग्नेचर। ये कोई भी गजटेड अफसर, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं हाई स्कूल के, कोई किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे गजटेड अफसर हो सकते हैं। अब इसको काउंटर साइन करवाना है, इसको आई एम सेटिस्फाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, यानी कि एसडीएम जो है यहां पर, एसडीएम या डीएम, वो आपको नहीं जान रहे हैं, वो किसकी रिलायबिलिटी को सर्टिफाई कर रहे हैं, जो गजटेड अफसर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं उनका। अब कुछ हमारे साथियों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो हो जाता है ठीक है, कोई पहचान निकल गई, लेकिन यहां जब जाते हैं तो यहां कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां से पहले करवा के लाइए कि आप जेन्यून हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो पुलिस स्टेशन में वो नहीं होता है, पुलिस स्टेशन में उनको बताया जाता है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। इसलिए हमने आपको कहा था पहले ही कि ऑनलाइन आवेदन कर दो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, 7 दिन में आ जाएगा। अब करेक्टर सर्टिफिकेट की देखिए, यदि आपको जल्दी है तो आप, ये प्रोफॉर्मा है, ये आपको चाहिए तो आपके दोस्तों के साथ में मिल जाएगा, आपके बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ गया है उनके वहां से आपको मिल जाएगा। इस पर आप तैयार करवा लीजिए, गजटेड अफसर का करवा लीजिए, फिर एसडीएम से काउंटर करवा लीजिए, ज्वाइनिंग आ जाएगा आपका, बिल्कुल मिल जाएगा। ये दूसरा देखिए, सिपाही सफाई कर्मचारी, ये भी आ गया है, इसका डेट क्या है, इसका भी 13/11 है, यानी इनको भी कितना दिया है, 12। ये देखिए, सबका पहले 8 ही था, जो डेट यहाँ पर अलग है तो इसको डेट को यहाँ पर ओवरराइट किया गया है और यहाँ पर इनिशियल है। 30 डेज का टाइम मिलेगा आपको,
तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, जल्दबाजी करने के लिए घबराने नहीं है अभी कि डॉक्यूमेंट तैयार होगा या नहीं होगा। कुछ हमारे साथियों को एग्जाम है उनके, या दिल्ली पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए क्या करें? एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, ज्वाइनिंग के लिए आपको, एक्सटेंशन के लिए आपको दरख्वास्त देनी होगी, रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा, दरख्वास्त आप लगाएंगे अब। लेकिन इस आधार पर आप दरख्वास्त लगाएंगे कि मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, मेरा SSC कांस्टेबल GD का एग्जाम है, तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा शायद। क्यों नहीं मिलेगा? कि आप जो कारण दे रहे हैं कि वो समान पोस्ट के लिए है, सेम वेतनमान के लिए है, वो आपका जो वेतनमान है वो भी कांस्टेबल का है, तो आप SSC GD के एग्जाम के लिए आप एक्सटेंशन मांगते हैं, तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना कोई अपना मेडिकल का, अपना फैमिली का मेडिकल का, इस तरह का यदि आप कोई इश्यू दिखाते हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं उनका मैरिज हो गया है, कब? जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था उसके बाद मैरिज हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी मैरिड हैं, उस समय आपने अनमैरिड किया था, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप बनवा कर लीजिए, और आपके पेरेंट्स के, आपके ऊपर जो आश्रित है, आपके छोटे भाई बहन और जो विवाहित जो है बहन, मैरिड सिस्टर है, उसका उसमें नहीं होता है, फैमिली कार्ड आपका बनता है, उसके लिए उनकी भी आईडी आपको लेकर जानी होगी। वो कई बार ट्रेनिंग के बाद मांगा जाता है, लेकिन अभी SSC GD वाले जो कैंडिडेट हैं उसके अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि आपको अभी ज्वाइनिंग में ही आपको देना होगा। तो इंतजार खत्म हो गया है, सबका हो जाएगा, अभी 10 दिन बचा है इस महीने में, इस महीने में सबके आ जाएंगे लगभग, तो पूरी तैयारी रखिए अपनी। जाना कब है, कितना दिन पहले जाना चाहिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं हमें, आपकी मर्जी है, जब जाएंगे तभी से आपका काम शुरू हो जाएगा, वर्किंग तो तभी से शुरू हो जाएगी। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मैं जिस दिन ज्वाइन करता हूँ क्या उसी दिन से मुझे वेतन मिलेगा? देखिए, वेतन तो किस दिन से मिलेगा ये आपको जब पहले महीने का वेतन मिलेगा तब पता चलेगा, मिलना तो उसी दिन से चाहिए जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मैं जाता हूं वहां पे 8 तारीख तक मुझे अपने खर्चे पे रुकना होगा, खाने का तो आपका अपना ही खर्चा होगा, जब आपको वेतन मिलता है तब आपको खाने का पैसा, मैस जो क्वेश्चन मनी है आपका, मैस का राशन मनी, वो मिलता है आपको। लेकिन वेतन आप आज जा रहे हैं तो आज से शुरू होगा, काम तो आपने शुरू कर दिया वहां पे आज जाके, अब वेतन आपको 8 तारीख से क्यों मिलेगा? अब इसका निर्णय जो है वो फोर्स हेडक्वार्टर के लेवल पे होता है, जब आपकी पहली वेतन आता है आपका, उस समय पता चलेगा। लेकिन नियमानुसार तो आपको मिलना चाहिए, आपका हक बनता है, जब आप ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद आपका काम शुरू हो गया, आप वर्किंग कर रहे हैं, वो भी आप सरकारी काम कर रहे हैं, तो बिना वेतन के काम थोड़ी करवा सकते। तो कब जाना है ये आपको तय करना है, लेकिन जाना है और ज्वाइनिंग आने वाली है। जय हिंद।